हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो इसमें जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन का, और समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो इंटीग्रेशन बनता है ना वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान दो, इसको अच्छे से पकड़ना है। हाँ, तो जैसा इसका नेम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है, ठीक है। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, याद रखिएगा, जैसे ही इसका आप यूज़ करेंगे ना, तो जो भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और डेरिवेटिव निकालने के बाद जब हम लोग उसको इंटीग्रेशन में पुट अप करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा। इसे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 2x/1+x², ठीक है, ये है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है ना। देखो, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको ना उसको जो है देखना है जिसको सब्स्टिट्यूट करने से, पुट करने से जो बाकी पार्ट है वो आपका क्या हो जाए, डेरिवेटिव में आ जाए, ठीक है। यानी हमको उसको ढूंढना है, समझ लो, जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा पार्ट हो। अच्छा, जनरली जैसे ये यू बाई भी का फॉर्म है, तो यू बाई भी का फॉर्म में जनरली क्या होता है, जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग पुट करते हैं, याद रखिएगा। जनरली, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन जनरली ऐसा होगा। तो देखो, नीचे वालों को पुट करके देखो, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या पुट कर दें, 1+x² को, ठीक है, क्या पुट कर दें, जेड पुट कर दें, ठीक है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, देखो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। अब देखो, ये x वाला पार्ट है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा dx, ठीक है, और इधर क्या होगा z का, सिंपली आपका dz, समझिए। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम नीचे वाले को जब पुट किए z, तो आपको दिख रहा होगा कि जो पूरा ऊपर वाला पोर्शन है क्या, 2x dx दिख रहा है, 2x dx ऊपर में है, ये पूरा आपका क्या बन जा रहा है, dz। तो आपका देखिए इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों का इंटीग्रेशन हो जाएगा i = सिंपली क्या, ऊपर वाला को लिखेंगे dz पूरा, 2x dx को dz, और नीचे वाला को क्या माने थे आप, z। तो अब ये सिंपली क्या हो गया, dz/z हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log z, क्या होता है, log z + a constant c, ठीक है ना। अब यहाँ पे z का वैल्यू डाल दीजिए वापस, तो क्या हो जाएगा, ये log z का वैल्यू कितना है, 1+x², तो 1+x² ऐसे लिख देंगे, और +c, ये आपका आंसर हो गया, देख रहे हैं ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कितना जल्दी बन रहा है ये तुमको दिख रहा है, ठीक है, कितना आसान है, तो वेरी इजी था, ठीक है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लो 2 देखते हैं ना, तो 2 में क्या है, 2 में है आपका log x का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x है, dx है। अब देखिए यहाँ भी u बाई v का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला पुट करेंगे तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन तुरंत दिमाग में करो, 1, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो इन जनरल आपको हम बताएं कि नीचे वाला, वरना आपको देखना है कि किसको पुट अप करेंगे तो हमको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि अगर आप log x को पुट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको पुट कर देना है, ऐसे पुट कर दो क्या, log x = z, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फिर तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, log का 1/x dx = क्या हो गया, dz, फायदा हो गया ना। क्या फायदा हुआ कि ये जो 1/x dx है, देखो dx ऊपर में नीचे में x, 1/x dx आपका क्या बन गया, dz बन गया। तो आपका देखिए इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जा रहा है।
इंटीग्रेशन हो जा रहा है आई इज इक्वल टू, ऊपर में लॉग एक्स को जेड लिए हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वन बाई एक्स डी एक्स वो क्या बन गया डी जेड, देख रहे हैं ना। ठीक है, अब जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, पढ़े हैं फॉर्मूला में, पावर एक बढ़ा दीजिए जेड क्यूब बाई थ्री प्लस सी, यही ना होगा। ठीक है, अब जेड का वैल्यू वापस पुट अप कर दो, क्या है लॉग एक्स का पावर होल थ्री हो जाएगा डिवाइड बाई थ्री प्लस, कितना सिंपल बन रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत आपको इस तरीके से करने में मज़ा आएगा, समझे ना। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री एक बताते हैं फिर ज़्यादा कुछ आप लोग को होमवर्क भी देंगे। जैसे वन बाई क्या है एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, तो फौरन से नहीं करना है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आराम से। हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में हम क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले लो क्या बचेगा वन प्लस लॉग एक्स, ये बचा डी एक्स। अब किसको पुटअप करना चाहिए, तो साफ दिखेगा आपको कि जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको पुटअप कर दीजिए, वन का जीरो हो जाएगा और लॉग का वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स तो अलग से है तो फायदा होगा। तो करना क्या है, हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे वन प्लस लॉग एक्स को कुछ भी पुट कर देते हैं, जैसे मान लो टी पुट कर दिए, टी जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का क्या हो जाएगा जीरो, लॉग का क्या हो जाएगा वन बाई एक्स, साथ में एक्स के साथ डी एक्स लग जाएगा और टी वाला का हो जाएगा डी टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या दिखा कि डायरेक्ट वन बाई एक्स डी एक्स ये क्या हो जा रहा है डी टी हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये जो पूरा जो डी एक्स है और ये जो वन बाई एक्स है ये आपका यूज़ में आ जा रहा है ना। तो हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, देखो इस पूरा को हम लोग टी टी बोले हैं। ठीक है, तो नीचे में चला गया टी और डी एक्स बाई एक्स क्या बन गया डी टी, तो डी टी तो ऊपर में लिखेंगे डी टी बाई टी। ठीक है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब टी का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, तो लॉग वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी हो गया। अब फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा जनरली इसको देखो एब्सोल्यूट फंक्शन में भी लिखा जाता है, कैसे लॉग वन प्लस लॉग एक्स, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें भी लिखा जाता है, तो इसलिए लिखते हैं हम लोग, क्योंकि लॉग जो है ना उसका डोमेन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वन प्लस लॉग एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए मॉड लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फोर नंबर, ठीक है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। हाँ, तो देखो इसमें क्या पुटअप करेंगे ये आपको दिख जाएगा, अब आप बहुत फास्ट थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम अगर कॉस एक्स को पुट कर दें, ठीक है, तो कॉस को पुट करेंगे तो साइन मेरा डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे कॉस एक्स इक्वल टू क्या जेड। ठीक है, कॉस एक्स को अगर जेड पुट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ ध्यान दोगे माइनस में ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका साइन एक्स डी एक्स डी जेड आ रहा है, तो अगर हम माइनस को इधर से हटा दें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा एक्चुअली माइनस डी जेड हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। तो अब देखो, तो इंटीग्रेशन जो है हम का वो क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, दिखिएगा ना क्या किए हम लोग, साइन कॉस को पुट किए हैं जेड, तो ये हो गया आपका साइन जेड, साइन जेड। ठीक है, और बाकी जो बच गया क्या बचा, ये तुम्हारा ये देखो साइन एक्स और इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जा रहा है माइनस डी जेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस डी जेड लिखेंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया बात, एक को पुट कीजिएगा और बाकी जो आपका डेरिवेटिव में चला गया वो आपको ऐसे लिखना है, तो साइन ये जेड पुट किए थे और साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया मेरा माइनस डी जेड। अब देखो माइनस को बाहर निकाल लो, तो ये तुम्हारा हो गया साइन जेड डी जेड का इंटीग्रेशन,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा कॉस जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू डाल दीजिए, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू हम लोगों का कॉस कॉस एक्स है, देख रहे हैं ना कितना इजीली बन रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ढूंढना है कि हमको सब्स्टिट्यूट किसको करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक जैसा है, कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक ये एक जैसा है। ठीक है, सारा आपका स्क्वायर रूट फॉर्म में है, तो इसमें जनरली किसको पुट करते हैं याद रखना, जनरली हम हमेशा बोलते हैं ना, क्योंकि वो आपका एक जनरल आइडिया है देखने का, वरना जिससे हमको फ़ायदा होगा उससे काम करेंगे। ठीक है, तो जनरली जो स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहेगा दिया हुआ, तो इसको आप पुट कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, समझे, स्क्वायर रूट के अंदर वाला। ऐसे में क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत सिंपल है, 6 तो डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा, जैसे 6 से मान लो, 6 में क्या इंटीग्रेशन, ए एक्स प्लस बी है ना, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, का रूट है, तो रूट को कैसे लिखेंगे, 1/2 पावर 1/2 डी एक्स है। ठीक है, तो अगर 1/2 है तो ये तो तुम्हारा सिंपल हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर आप इसको पुट भी करेंगे, ठीक है, तो भी आ जाएगा, ऐसे में डायरेक्ट बताते हैं रिजल्ट भी आपको। ठीक है, चलो पहले इसको पुट करके बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, देखो कैसे बनाएंगे, चलो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं पहले हम, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ए एक्स प्लस बी ना, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जैसे हम तुमको बताए कि जनरली रूट वाले को पुट करते हैं, और क्या पुट कीजिएगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप ना पुट कीजिएगा क्या, टी स्क्वायर, इसलिए टी स्क्वायर पुट कीजिएगा कि इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर डालेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर में पुट कीजिएगा। देखिए बता रहे हैं कैसे, हाँ जैसे यहाँ पे देखो हम पुट कर दे रहे हैं, पुट करते हैं क्या ए एक्स प्लस बी को जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, बी का जीरो हो गया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का क्या होता है 2z और साथ में डी जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डी एक्स है, डी एक्स इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2z डी जेड डिवाइडेड बाई ए, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, तुम्हें फ़ायदा कैसे होगा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू देखो क्या आ रहा है, इसमें इसमें हम लोग डाल दिए जेड स्क्वायर, तो रूट आपका हट जाएगा, क्या बचेगा जेड। ठीक है, और डी एक्स के बदले में क्या आ गया, 2z डी जेड डिवाइडेड बाई ए, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए 2 आपका बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, ए भी बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर बच रहा है ना, जेड स्क्वायर और डी जेड। ठीक है, चलो अब देखो ये 2/a, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जेड क्यूब ना, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ना 2z होता है, जेड क्यूब बाई 3। ठीक है, दोनों होता है, देखो इसमें डिफ्रेंशिएशन भी होता है इंटीग्रेशन भी, तो जहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ पे इंटीग्रेशन, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, प्लस क्या हो गया, सी हो गया ना। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से लिखो, क्या लिखेंगे 2/3 ऐसे, जेड के जगह पे अच्छा जेड क्यूब आया। ठीक है, तो जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिए कि जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी हो जाएगा, यानी जेड का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर कितना, 1/2 होगा ना जेड का वैल्यू। ठीक है, अच्छा प्लस सी, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर 3 है तो ऊपर में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लगा देंगे 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा करना क्या है, देखिए सिंस हम बता रहे हैं, चूंकि जो आपका जेड था उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, अगर हम लोग स्क्वायर रूट को हटा देंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो लगेगा इधर क्या, ए एक्स प्लस बी का रूट। ठीक है, यानी रूट ए एक्स प्लस बी,
यही आपका जेड है, ठीक है। रूट ए एक्स प्लस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका ए एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू, वन बाई टू, ये आपका जेड है। तो जेड अगर ये है तो कोई तुमसे पूछे कि जेड क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पे थ्री बाई टू लग जाएगा। जेड फाइव कितना होगा, तो फाइव बाई टू लग जाएगा, समझे। तो जेड हमारा इतना था तो इसलिए जेड क्यूब करेंगे तो थ्री बाई टू कर देंगे, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट भी बन रहा है, वो रिजल्ट हम बता देते हैं चूँकि उसका बहुत यूज़ है। तो क्या बन रहा है रिजल्ट, ये देखो, हाँ एक रिजल्ट भी हम लोग याद रखेंगे, यहाँ बताते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए जैसे डायरेक्ट याद रखना है ना, मान लो कि कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है या एफ डैश दिया हुआ है और आपको ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद रखिए, हो जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। मतलब अगर कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, तो उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो भी उसका इंटीग्रेशन आएगा है ना, इसी फॉर्म में आएगा और उसमें हमको सिर्फ कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, देखिए ये ए। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ देखे हैं, कैसे बता रहे हैं हम आपको, देखिए अगर हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट अगर हम करते किसका, ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू, इसका हम डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट का तरीका क्या होता कि ए एक्स प्लस बी आपका लीनियर फंक्शन है तो पावर ऊपर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा तो वन बाई टू प्लस वन, नीचे भी क्या हो जाएगा पावर वन बाई टू प्लस वन, ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन आएगा है ना फॉर्मूला से, और ए को नीचे लिख दीजिए तो आप क्या देखिएगा, देखिए वही चीज़ आ रहा है जो आपका वहाँ पर आया था, इसको यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर वन बाई टू प्लस वन, थ्री बाई टू, ठीक है। नीचे में देखो ये ए इंटू थ्री बाई टू, इस थ्री बाई टू को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री ए एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाई टू, देख रहे हैं ना। तो वही आंसर आया है जो वहाँ पे आया था। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, ये रिजल्ट याद रखिएगा। तो क्या करना है, सिर्फ जो भी इंटीग्रेबल फंक्शन है उसका जो भी इंटीग्रल आएगा उसमें हम लोग उसका कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल सिंपली क्या आएगा, पावर ऊपर में ऐड होगा, नीचे भी वही आएगा, और जो कांस्टेंट फंक्शन उसे डिवाइड कर देंगे कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है ना। जैसे मान लो कहीं भी तुमको इसको करना है, ये तो हो गया एक नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमको ऐसे करना है, साइन साइन फाइव एक्स प्लस थ्री, इसका करना है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपली कॉस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस लिखिएगा, ठीक है, और फाइव एक्स प्लस थ्री लिख दीजिएगा, और किससे डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, एक्स के साथ में फाइव है, ये आ जाएगा, समझे। कहीं पे मान लो तुमको इसी तरीके से पूछ दिया है ये कि x का पावर e का पावर है तुम्हारा 3x प्लस 2, ऐसा है dx, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का बस ये लीनियर होना चाहिए, याद रखिए, हाँ क्वाड्रेटिक में काम नहीं करेगा, लीनियर में काम करेगा। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है e का पावर 3x प्लस 2 लिख करके, और इसका जो जो मल्टीपल है x का 3 उसे डिवाइड कर देना है, कितना सिंपल बन रहा है। सब रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट आपको, है ना, पुट करके इसको सबको नहीं बनाना है, सब डायरेक्ट आपका बन जाएगा। इसी तरह से मान लो कहीं पे दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं लॉग दिया हुआ है, लॉग 7x प्लस e का पावर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे डायरेक्ट इसका हो जाएगा लॉग, ठीक है। अच्छा लॉग का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लॉग नहीं लेके, लॉग नहीं लेंगे, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। लॉग का तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग किसी का डिफरेंशिएशन नहीं ना है, वन बाई है, वन बाई होता है। जैसे मान लो वन बाई दे दिया है तुमको क्या, टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा दे दिया है,
इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसका काम हो जाएगा, वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग होता है, ठीक है। तो हम लॉग ले लेंगे, क्या लॉग टू एक्स प्लस थ्री, और किससे डिवाइड करना होगा इसको, टू से, तो वन बाई टू लगा दीजिएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज़ होगा, है ना, ये वाला। तो इसलिए हम लोग जो उसको पुट करके बनाए हैं, डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और जनरली आपको स्क्वायर रूट में याद रखना है कि अगर कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसको पुट करने से काम हो जाता है, ठीक है। चलो इसको करो, देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक है। तो सेवन में फिर से देखिए, जैसा बताए थे आपको, स्क्वायर रूट वाले को पुट कीजिए, हाँ थोड़ा फास्ट भी होना है हमको। देखो हम पुट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पुट कर दिए जो स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी एक्स प्लस टू को क्या पुट कर दिए, जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स का डी एक्स आएगा, टू का जीरो होता है, इधर क्या मिलेगा, टू जेड और डी जेड, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा। अब देखिए चूंकि आपका जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूशन के बाद पूरा जेड में चेंज हो रहा है, तो ये जो x है इस x को क्या करेंगे, इसको तो ठीक है आप जेड स्क्वायर रखिएगा तो जेड बन जाएगा, इस x को भी आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इस x को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो तो जेड स्क्वायर माइनस टू लिख सकते हैं ना, तो x को क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। इसको आप किए जेड स्क्वायर, तो ये बन गया सिर्फ जेड स्क्वायर उठा जाएगा, और dx के यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू जेड डी जेड। तो पूरा क्वेश्चन आपका देखिए जेड में आ गया है। तो अब देखिए टू को बाहर निकाल लीजिए तो कांस्टेंट है, अंदर देखिए जेड स्क्वायर, यहाँ भी जेड स्क्वायर, तो क्या हो जा रहा है, जेड स्क्वायर माइनस टू इंटू, बाहर भी जेड स्क्वायर और डी जेड, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, टू को बाहर रहने देते हैं, अंदर देखो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड फोर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका टू और जेड स्क्वायर, ठीक है, साथ में डी जेड। अब सिर्फ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, टू जेड फोर का क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ता है ना, तो जेड फाइव बाई फाइव माइनस, फिर यहाँ पे टू है, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जेड क्यूब बाई थ्री, और प्लस आपका एक ठो कॉन्स्टेंट सी। अब देखो दोनों में जेड है तो हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं जेड क्यूब को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू जेड क्यूब, ठीक है, ये कॉमन निकल गया हम लोगों का, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा देखिए यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाई फाइव माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे बचेगा हम लोगों का टू बाई थ्री, टू बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है, जेड का वैल्यू डाल दीजिए। तो हम आपको बताए थे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग का जेड क्या है, जेड जो है वह है आपका x प्लस टू का पावर, x प्लस टू का रूट है ना, देखा जाए तो चूंकि स्क्वायर पुट किए हैं तो जेड क्या है, x प्लस टू है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, x प्लस टू का पावर कितना है, वन बाई टू, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हमको मान लो जेड क्यूब लिखना है यहाँ से, तो जेड क्यूब सिंपली क्या हो जाएगा, x प्लस टू का पावर वन बाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री बाई टू, ठीक है ना। तो अब हम लोग का क्या आ जा रहा है बताओ, तो हम लोग का देखो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू जेड क्यूब, यानी टू इसका वैल्यू डाल दीजिए, एक्स प्लस टू का पावर थ्री बाई टू, अच्छा अंदर देखो क्या आएगा, देखो आंसर तो यहाँ पे भी हो जाता है, हम डायरेक्ट अगर लिख देते ना कि यह मेरा आंसर हो गया, जहाँ जेड का वैल्यू क्या है, तो जेड का वैल्यू सिंपली है क्या, रूट एक्स प्लस टू, ऐसे भी कर देंगे तो आंसर हो जाएगा एग्जाम में, समझे, बस इतना आ गया। और लिख दीजिए यहाँ पे के वेयर, जहाँ पे जेड इतना है, लेकिन अगर आप डाल के दिखाना चाहते हैं तो डाल के दिखा भी सकते हैं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर क्या है, तो जेड स्क्वायर सिंपल ही है एक्स प्लस टू, ठीक है, और नीचे में क्या है, बाई फाइव और माइनस टू बाई थ्री, ये है ना। चलो अब देखो यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, हमें चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा आपका एलसीएम लीजिएगा तो थ्री एक्स, देख लेते हैं क्या आता है, टू एक्स प्लस टू का पावर थ्री बाई टू, ठीक है, अंदर में एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा फाइव और थ्री का फिफ्टीन, यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए तो थ्री एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स,
और माइनस फाइव टू जा टेन, ठीक है। सिंप्लीफाई करो क्या आ जा रहा है। सबसे पहले टू को लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं फिफ्टीन को, ठीक है। फिर देखो थ्री एक्स माइनस फोर आ जा रहा है, थ्री एक्स माइनस फोर ये आ गया, और जो बच गया उसको लिख दीजिए, यानी एक्स प्लस टू का पावर थ्री बाई टू, और एक लगा दीजिए कांस्टेंट, आपका हो गया आंसर। देख रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आपका आएगा, है ना। अब आंसर हो सकता है कि देखना होगा, ये भी दे सकता है, इसके ऊपर वाला भी कोई दे सकता है, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो नीचे वाला होगा, इस तरीके से आपका आएगा। थोड़ा सा बस आपको करना है इस तरह का क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखो एट नंबर, एट नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। एट और नाइन एक जैसा है, तो हम ना नाइन बताते हैं आपको, बल्कि नाइन नंबर देखिए। नाइन नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, नाइन नंबर है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू है, ठीक है, फोर एक्स प्लस टू, ध्यान देना, फोर एक्स प्लस टू रूट अंडर क्या, कितना दिया हुआ है अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, प्लस वन, ठीक है, डी एक्स। ये ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है, ये जो है ना, जैसे इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कैसे करना है। तो जैसे हम बताएं तुमको कि जनरली रूट वाले को पुट करते हैं ना, तो ये है रूट में, इसको आप पुट कर दीजिए। तो देखो यहीं पे पुट कर देते हैं, पुट कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, क्या पुट कर दिए, टी पुट कर दिए, डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू एक्स प्लस एक्स का वन, और साथ में डी एक्स, बराबर क्या बचेगा, डी टी बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x प्लस वन, तो 2x प्लस वन डी एक्स पूरा आपका काम का आ जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, तो क्वेश्चन हम लोगों का हो जा रहा है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ से हम 2 को ले लेते हैं कॉमन इन दोनों से, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा अंदर में, 2x प्लस वन, और ये वाला को ऐसे लिख देते हैं, क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और डी एक्स। ये अब देखो फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा ये हो गया कि ये जो पूरा है टर्म 2x प्लस वन ये वाला और इंटू डी एक्स ये वाला, ये 2x प्लस वन डी एक्स तो आपका डी टी बन गया, है ना। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा 2, देखो इसको हम लोग क्या पुटअप किए हैं, टी पुट किए हैं। खैर टी पुट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी स्क्वायर पुट करने से क्या फ़ायदा होता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है ना, तो आपको काम करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, टी स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, टी स्क्वायर का टू टी डी टी हो जाएगा, है ना, टू टी डी टी। तो अब देखो, तो टी स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, टी बचेगा, ठीक है, और बाकी ये दोनों मिला करके क्या बच रहा है, टू टी डी टी, टू टी डी टी, कितना ईजी हो गया, देख लीजिए, टू को बाहर कर दीजिए, टू टू जा फोर हो जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर और डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई थ्री हो जाएगा प्लस सी। अब फाइनली टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू कितना है, टी का जो वैल्यू है वो देखो यही है स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट का तरीका बताए हैं आपको हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का पावर वन बाई टू, तो थ्री है तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस सी। बात फॉलो कर रहे हैं ना, सिंपल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो बनाना है कोई भी स्क्वायर रूट वाले को, तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। एट नंबर आपको बनाना है, इलेवन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। टेन नंबर में हम एक हिंट कर देते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर जो टेन है, टेन नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, वन बाई एक्स माइनस रूट एक्स, ये दिया हुआ है ना, यही है ना क्वेश्चन, एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो देखो इसको क्या करना, थोड़ा सा ये अच्छा है क्वेश्चन, हल्का सा इसको ना ऐसे कर दीजिएगा, हम एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, तो एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, चूँकि रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, माइनस साथ में क्या है, इधर है आपका रूट एक्स, और ऊपर में है डी एक्स, डी एक्स को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से तुमको ये फ़ायदा होगा कि
हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए डी एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएगा रूट एक्स, और अंदर आपका बचेगा रूट एक्स माइनस वन बचेगा, समझे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट एक्स है, रूट एक्स माइनस वन है, अगर हम इसको पुट अप कर दें रूट एक्स माइनस वन को, मेरा काम हो जाएगा। कैसे, देखिए पुट कर दीजिए रूट एक्स माइनस वन को टी, डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वन बाई रूट एक्स का क्या होता है टू रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है, साथ में डी एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है डी टी। देखो तुम्हारा काम बन गया, कैसे, यहाँ पे हम लोगों का आ जा रहा है डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स ये पूरा हम हटा लेंगे यहाँ से डी एक्स बाई रूट एक्स, तो हमको मिल जाएगा ये सिंपली टू डी टी। तो हम क्या लिखेंगे, रूट डी एक्स बाई रूट एक्स के लिए लिख देंगे टू डी टी, और नीचे जो रूट एक्स माइनस वन है इसको हम टी पुट किए हैं तो ये टी हो गया, तो टू आपका कांस्टेंट है और डी टी बाई टी का क्या होता है लॉग टी होता है प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा टू लॉग, ठीक है, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी आ जा रहा है। तो कोई भी रूट वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? तो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, और सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो कुछ और बनाइए आप, ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।